हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट में पाए जाने वाला या यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। यह डबल मेम्ब्रेनस है, यानी दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और स्पेशली यह एयरोबिक रिस्पायरेशन में भाग लेता है। तो आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज कुछ बात हम लोग जाने। माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना मैंने यहाँ टेस्ला बैटरी से किया है। जिस तरह सेल को ऊर्जा की आवश्यकता है, उसी प्रकार एक इलेक्ट्रिक कार को भी ऊर्जा की आवश्यकता है। इस इलेक्ट्रिक कार में देखिए, ये बैटरी जो लगी हुई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी टेस्ला बैटरी है। ये फोटो एक टेस्ला कार की है और ये तुलना में कर रहा हूं कि जिस प्रकार कार को चलाने के लिए बैटरी की आवश्यकता है, उसी प्रकार यूकैरियोटिक सेल की बैटरी माइटोकॉन्ड्रिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे, लेकिन किस प्रकार पढ़ेंगे देखिए। आज का हमारा टॉपिक या आज का हमारा टारगेट क्या है, ये बात सबसे पहले हम लोग देखते हैं। टुडे टारगेट, आज हम लोगों को क्या करना है। आज का टारगेट है इतनी बातें समझना, यही ऑब्जेक्टिव है आज की। ड्यूरिंग सेल रिस्पायरेशन यूकैरियोटिक सेल ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जिस माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने जा रहे हैं आप, उसका काम क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन के दरमियान ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रो मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि ऑक्सीजन के उपस्थिति में बर्न करते हैं, ब्रेक होते हैं और इसे ही हम लोग एयरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम क्या है, एयरोबिक रिस्पायरेशन, जिसे आप सेलुलर रिस्पायरेशन, विच रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस के द्वारा ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या होता है, तो एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण होता है। एटीपी क्या है, सेलुलर एनर्जी है या एनर्जी करेंसी है, जिसका निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम पावर हाउस है। तो आपने देखा हमारी ऑब्जेक्टिव आज का क्या है। आइए अब ये मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है, तो आप देखिए ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, कहां, सेल के साइटोप्लाज्म में। और अब इसके बाद इस ग्लूकोज से जो प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, वो देखिए कहां जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के, और यहां कहां जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां से ग्लूकोज से जब ग्लाइकोलिसिस हुआ, तो इससे भी एटीपी बना, साइटोप्लाज्म में भी एटीपी बना। यह एटीपी का बनना माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा नहीं हो रहा है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस से जब एनएडीएच का निर्माण हुआ, वो यहां जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के द्वारा एटीपी की एटीपी दिया। ये एटीपी कौन दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दिया। क्रेब्स साइकिल के दरमियान भी एटीपी बना, यह एटीपी कौन दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दिया। और ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में किस रूप में बदल गया, पायरुविक एसिड में, और यह पायरुविक एसिड कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख रहे हैं आज की ऑब्जेक्टिव इन बातों को समझना है।
मैं मानता हूं कि ये बातें अभी आपको समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन इतनी कम से कम बात समझ में आ रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। कि सबसे पहले दिमाग में आप ये बात रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एटीपी का निर्माण। अब ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन या ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या निकलता है? एटीपी भी निकलता है, एनएडीएच भी निकलता है, पाइरुविक एसिड भी निकलता है। पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्रेब साइकिल चलाता है, और एनएडीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाता है। इतनी छोटी सी तो बात है। अब आज हम लोग किन किन प्रश्नों पर विचार करेंगे? वेयर डज द ग्लूकोज यूज इन रेस्पिरेशन कम फ्रॉम? पहली बात हमारी है, व्हाट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया? आप समझ में आया? हाउ डू यू नो दैट दिस इज द सीरीज ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? कि ऑक्सीजन का माइटोकॉन्ड्रिया में क्या उपयोग है, कौन से रिएक्शन चलते हैं, कौन कौन से सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेज माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं? तो आप सामने देख रहे हैं क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलिसिस में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, लेकिन यहां ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके लिए इंट्रोडक्शन है। माइटोकॉन्ड्रियन इज ए मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रियन वर्ड ग्रीक ऑरिजिन माइटोस मीन थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन ग्रेन्यूल इन साइज रेंजेस फ्रॉम 0.5 to 1 μm। This organelle is a cellular power plant because it generates the cellular energy ATP used as a source of chemical energy. In addition, they are involved in the signaling, cellular differentiation, cell death, control of cell cycle and cell growth. ये cellular respiration के अलावे ये काम है। आप ध्यान देंगे, signaling, cellular differentiation, सेल ग्रोथ, कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ। ह्यूमन डिजीज रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूड द माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, कार्डिक डिसफंक्शन एंड एजिंग प्रोसेस। आपने लाइसोसोम में भी ह्यूमन रिलेटेड डिजीज देखा है, यहां भी देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन मेनी मेटाबॉलिक पाथवे, बट देयर प्रिंसिपल फंक्शन इज द जनरेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेलुलर एटीपी through the oxidative phosphorylation system, OxPhos। क्या नाम है? oxidative phosphorylation system, इसे हम लोग क्या कहते हैं? OxPhos। Mitochondria are unique organelles since they require the contribution of the two physical separate genome। एक genome का जो nucleus के अंदर है, और एक क्या है? mitochondria के अंदर है। तो ये दो जीनोम के कंट्रीब्यूशन से माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करता है, याद रखने की बात है। द पायोनियर वर्क ऑफ द जॉर्ज पैलाडे एंड कोवर्कर डेवलप ए प्रोटोकॉल फॉर द आइसोलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बेस्ड ऑन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने आइसोलेट किया? जॉर्ज पैलाडे ने, और किस द्वारा? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। माइटोकॉन्ड्रिया वेयर फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर इन 1850 मसल एंड कॉल्ड द सार्कोशोम। फ्लेमिंग डिस्क्राइब दिस ऑर्गेनेला एज ए फिला। अल्टमैन ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर नेम्ड ए बायोब्लास्ट। बेंडा स्टेन दिस स्ट्रक्चर विद द क्रिस्टल वॉलेट एंड रीनेम देम माइटोकॉन्ड्रिया। माइकल यूज जेसस ग्रीन बी एज ए वायलेट वाइटल स्टेन टू ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया एंड लिविंग सेल। तो कोई प्रश्न पूछेगा कि लिविंग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को किससे स्टेन किया जाता है? जेसस ग्रीन बी। लेकिन बेंडा ने किससे किया था? क्रिस्टल वॉलेट। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीड्योर में भी क्रिस्टल वॉलेट का यूज किया जाता है, ध्यान देंगे। आइए इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं। अब आप एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस
स्पेशली स्टेन आर नॉट इजली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप. द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ द वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व. टिपिकली इट इज सॉसेज शेपेड प्लेट के जैसा और सिलिंड्रिकल हैविंग डायमीटर 0.2 to 1 μm एवरेज 0.5 μm एंड लेंथ 1 to 4.1 μm. इच माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन. यहां फिगर आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें आप आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं और इनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस का नाम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट. और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये येलो कलर का दिख रहा है इसे मैट्रिक्स लिखा गया है, इनर कंपार्टमेंट. तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन है और दो चेंबर है. सबसे अंदर वाले चेंबर का नाम इनर कंपार्टमेंट या मैट्रिक्स, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है किससे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर के स्पेस का नाम आउटर कंपार्टमेंट या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, वो घिरा हुआ है किससे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से. बाकी क्लियर होनी चाहिए बातें, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए. आप देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया के फिगर को, यहां आउटर मेम्ब्रेन आपको स्पष्ट दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन भी दिख रहा है और दोनों के बीच के स्पेस, इसको हम लोग कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. लेकिन इस स्पेस का नाम इसका ये कहलाता है मैट्रिक्स. देखिए इस स्पेस का नाम क्या है, मैट्रिक्स. और इसका नाम क्या है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस. और ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन. देखिए यहां क्या है, आउटर मेम्ब्रेन. ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन से इन सर्किल है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर क्या, देखिए इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा. इसलिए इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्डेड है. देखिए फोल्ड किया हुआ है इनर मेम्ब्रेन. इस फोल्डेड संरचना का नाम क्या है, क्रिस्टी. इस फोल्डेड संरचना का नाम क्या है, क्रिस्टी. अब इस मैट्रिक्स के अंदर और क्रिस्टी पर देखिए ये छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे हुए हैं. इनका नाम क्रिस्टी पर लगे हुए पार्टिकल्स क्या है, एटीपी सिंथेटेज पार्टिकल या ऑक्सीसोम. इसके अलावा इसमें देखिए ये चेन की तरह डीएनए है, सर्कुलर डीएनए. अभी आपने पढ़ा था कि इसका अपना डीएनए होता है. तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपने आराम से देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, आपने ये देखा. तो मैं समझता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है. मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट. आप समझ रहे हैं कि आउटर कंपार्टमेंट क्या है और इनर कंपार्टमेंट. द इनर कंपार्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स. द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल. द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए नंबर ऑफ फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी टुवर्ड द मैट्रिक्स. आप देख रहे हैं ये सारी क्रिस्टियां हैं. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यहां आराम से देखिए और क्रिस्टी को भी आप आराम से देखिए. और देखिए इसके अंदर सर्कुलर डीएनए. आइए थोड़ी सी बात मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं. मैट्रिक्स का दूसरा नाम इंटर क्रिस्टल स्पेस. द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया द फिल्ड विद द डेंस फ्लूइड
which is form a fine granular substance as observed under electron microscope. About 50% of the matrix content is formed of protein. किस चीज के बने हुए? प्रोटीन, एंजाइम दैट आर रिस्पॉन्सिबल. तो मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है? प्रोटीन भी होगा और उसके अलावा क्या होगा? कुछ एंजाइम होंगे, साथ में क्या होगा? डीएनए होगा, आरएनए होगा, राइबोसोम होगा. तो ये एंजाइम जो होंगे मैट्रिक्स में वो क्या करते हैं? पहला, डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड पाइरुवेट टू एसिटाइल को एंजाइम ए, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को ए इनटू क्रेब्स साइकिल. एक लाइन में जानिए कि मैट्रिक्स के अंदर वे सारे एंजाइम होते हैं जो क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए उपयुक्त होते हैं. यानी क्रेब्स साइकिल में पाए जाने, क्रेब्स साइकिल के लिए उपयोगी सारे के सारे एंजाइम कहां पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में पाए जाते हैं. एक इंजाइम छोड़कर सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, वो कहां पाया जाता है? तो वो इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है. सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बाय डीएनए ट्रांसफर. ध्यान दे लिया, तीन तरह के वर्क के लिए इंजाइम है. डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड, ऑपरेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए. क्लियर हुआ? तो ये मैट्रिक्स है और सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स. और अब मैट्रिक्स के अंदर क्या था? क्रिस्टी. द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन न्यूमेरस कंपार्टमेंट ऑफ क्रिस्टी विच एक्सपेंडेड द सरफेस एरिया ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनहांसिंग इट एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी. क्रिस्टी का काम क्या है? एटीपी के प्रोडक्शन में भाग. फॉर एग्जाम्पल लीवर माइटोकॉन्ड्रिया द एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज अबाउट 5 times एज लार्जर एज आउटर मेम्ब्रेन. द रेशियो इज वेरिएबल एंड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम सेल दैट हैव ग्रेटर डिमांड ऑफ एटीपी सच एज मसल सेल कंटेन इवन मोर क्रिस्टी. बातें समझ में आ रही है कि जिस सेल को एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है उस सेल में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होगी ज्यादा. और लीवर सेल में यह देखा गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उसमें इनर मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया से 5 गुनी ज्यादा होती है. अगला पॉइंट, द क्रिस्टी कंटेन ए स्मॉल राउंड बॉडी कॉल्ड F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम. ये आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर ये क्रिस्टी है. अब आइए इसका क्रॉस सेक्शन क्रिस्टी का, तो ये क्या देख रहे हैं? आउटर मेम्ब्रेन है, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, या इनर मेम्ब्रेन है, और इस इनर मेम्ब्रेन पर ये क्या है? क्रिस्टी लगे हुए हैं. अब आइए इनर मेम्ब्रेन पर ये उभार जो है ये क्या है? क्रिस्टी है. और इस पर ये छोटे छोटे जो स्टॉक जैसे लगे हुए हैं ये क्या है? ऑक्सीसोम है. अब देखिए ये क्रिस्टी की संरचना है, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, और ये क्या है? मैट्रिक्स है. तो क्रिस्टी किधर है? मैट्रिक्स की ओर बल्ज किए हुए है. और इस पर आप देखिए ये क्या लगे हुए हैं? तो ये लगे हैं ऑक्सीसोम या F1F0 पार्टिकल, जिसमें क्या है? बेस है, स्टॉक है, हेड है. F0 F1 पार्टिकल्स इसका नाम, या ऑक्सीसोम इसे कहते हैं. क्लियर हुआ? ऑक्सीसोम. इसका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स वेव या एटीपी सिंथेटेज. F0 F1 एटीपी सिंथेटेज यूज द प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी.
एटीपी के सिंथेसिस में कौन भाग लेता है? तो ऑक्सीजन। कंपोज्ड ऑफ नोब एंड स्टॉक स्ट्रक्चर, ये नोब है ये स्टॉक। F1 नोब कंटेन कैटालिटिक सब यूनिट, F1 नोब जो है वो कैटालिटिक सब यूनिट कंटेन करता है। F0 स्टॉक है ये प्रोटोन चैनल। पासेज द प्रोटोन थ्रू F0 इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज कपल्ड विद एटीपी फॉर्मेशन। बातें समझ गए कि क्या काम करता है। अब देखिए यही क्या है F0 F1, यही ऑक्सीसोम है। ये क्या है F0 स्टॉक है और ये कैटालिटिक सब यूनिट बना हुआ है, और ये कैटालिटिक सब यूनिट किस चीज को क्या कहते हैं? F1। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में, इसके डिटेल्स जानकारी कि ये फंक्शन कैसे करता है मैं आपको रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन में बोलूंगा। यहां आप केवल संरचना देख रहे हैं। F0 किस प्रोटीन से बना होता है? कभी कभी पूछा गया, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कंफॉर्मिंग प्रोटीन OSCP। और ये कैटालिटिक साइट जो है क्या कर रहा है? देखिए ADP और PI को जोड़कर ATP बना रहा है। तब आपने समझा कि आपने जो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग क्रिस्टी के ऊपर उपस्थित ऑक्सीसोम की एक्टिविटी है ATP पैदा करना। क्लियर? द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन, तो ये देखिए दोनों मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अलग अलग प्रोटीन और एंजाइम है, और ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके अलग अलग प्रोटीन और एंजाइम है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन और एंजाइम है उनका काम क्या है? ट्रांसपोर्टर या ट्रांसपोर्टेशन, एक लाइन में याद रखिएगा। या पोरिन देख के समझ रहे हैं कि पोरिन का काम क्या होता है, पहले भी आप पढ़े। तो आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट में भाग लेना। लेकिन इनर मेम्ब्रेन का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट में भाग लेना, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपने ये जाना कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा ही एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। अभी तक हमने 100 times आपसे कहा होगा, कोई नई चीज नहीं है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, hence they are called powerhouse of cell. क्लियर हो रही है बात? कोई नई बात नहीं है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पॉजेज सिंगल सर्कुलर DNA molecules. के मैट्रिक्स में इन सारी बातें जो अभी तक आपने पढ़ा उसके अलावा क्या है? सिंगल सर्कुलर DNA आप देख रहे हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया है और देखिए इसका सिंगल सर्कुलर DNA। ए फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स, राइबोजोम 70S एंड कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का DNA रखता है, उसका खुद का RNA होता है, उसका खुद का राइबोजोम होता है, और वो अपना खुद प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इस प्रकार यह बात आप समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नॉट फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया ऑफन कॉल्ड इंडोसिम्बायोन और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेला ऑफ द सेल। नॉट ओनली माइटोकॉन्ड्रिया बट अलोंग विथ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो, सो बोथ आर द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेला and both soj indosymbiosis।
and also obey the rule of endosymbiont. And both organella are semi-independent or autonomous organella of the cell. Reason behind that, both possess their own DNA, their own ribosome and protein synthetic components. Here one of the most important thing like that, those kind of the DNA and ribosome found within inside of the mitochondria are similar to ribosome and DNA of the bacteria. That's why most of the scientists of the world claim that those mitochondria today found within inside of the eukaryotic cell are nothing but the bacteria of the past. क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक नेचर को शो करते हैं. इस पर भी मैं बात चर्चा करूंगा और आगे करूंगा. अभी थोड़ी सी बात हमने आपसे कहा. तो आपने देखा, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ह्यूमन एमटी डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कि ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये है कि ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है. और देखिए इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर ये जो अलग अलग कलर को जो हम यूज किए हैं, ये डीएनए का वो पार्ट है. और इनका फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को बनाना, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, फोर्थ, थर्ड कॉम्प्लेक्स फोर्थ, तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए. तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए जो जो प्रोटीन की आवश्यकता है उसके जीन कहाँ रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर रहते हैं. उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. क्लियर हुआ. और इस प्रकार आपने जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक सिंगल सर्कुलर डीएस डीएनए पाया जाता है. अब आते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, की रोल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्या क्या की रोल है. तो पहला है एटीपी सिंथेसिस, आप लोग जानते हैं लेकिन और सारी जाने. बायोजेनेसिस ऑफ हीम, आयरन सल्फर प्रोटीन असेंबलिंग एंड बायोजेनेसिस, कैल्शियम स्टोरेज, लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, प्रोग्राम सेल डेथ यानी एप्टोसिस. आप सोचेंगे कि बार बार एप्टोसिस, तो आप देखिए एप्टोसिस में लाइसोसोम निभाग ले रहा था. एप्टोसिस की चर्चा हमने आपको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ भी किया था, आज माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी कर रहे हैं. इननेट इम्यूनिटी, माइटोकॉन्ड्रिया के और भी फंक्शन क्या क्या है सो देखिए. जनरेट एटीपी, न्यूरोट्रांसमीटर मेटाबॉलिज्म, एप्टोसिस, अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन, हीम सिंथेसिस, कोलेस्टेरॉल मेटाबॉलिज्म, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस, आरएनए डीएनए सिंथेसिस. कोडेड बाय द 3000 जीन, जनरेट फ्री रेडिकल, एस्ट्रोजेन एंड टेस्ट्रोजेन सिंथेसिस. लेकिन आपको सिंपल जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल. लेकिन ये दिमाग में रखनी है कि केवल वही उसका फंक्शन नहीं है, एटीपी जनरेशन के अलावा एप्टोसिस, सेल डेथ प्रोग्रामिंग एंड सेवरल काइंड ऑफ मेटाबोलाइट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलने वाला मेटाबोलिक पाथवे को हम लोग सेंट्रल मेटाबोलिक पाथवे ऑफ सेल कहते हैं. और सेल की सबसे बड़ी बायोकेमिकल रिएक्शन का सेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है. यह बात हम लोग पुनः डिस्कस करेंगे जब प्लांट फिजियोलॉजी में सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ेंगे.
अब ये सिंपल बात आप जाने कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है सेलुलर रिस्पायरेशन, उसको सिंपल वे में आप कैसे समझ सकते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन सेलुलर रिस्पायरेशन। आप शुरू में भी आपने देखा था, देखिए यहाँ ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है पारविकेशन, और देखिए यहां से एटीपी निकल रहा है। ये पारविक एसिड कहां जा रहा है, क्रेब साइकिल में जा रहा है, यानी पारविक एसिड कहां इंटर कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर रहा है, और क्रेब साइकिल कहां चलता है, मैट्रिक्स में चलता है, क्रेब साइकिल से भी एटीपी पैदा हो रहा है। और ये ग्लाइकोलिसिस के दरमियान जो उसने बताए थे एनएडीएच, देखिए ये एनएडीएच कहां जा रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टल मेम्ब्रेन पर जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, उससे भी क्या हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है, और साथ में क्या पैदा हो रहा है, वाटर पैदा हो रहा है। तो रिस्पायरेशन के दरमियान क्या खर्च हो रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, पैदा क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन तीन प्रक्रियाएं हो रही हैं, क्रेब साइकिल पहला, ईटीएस दूसरा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तीसरा। ये ओवरव्यू है, सिंपल में आप लोग इतनी बात जाने। अब आइए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब कैसे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसका बेसिक व्यू आपको दिखा रहा हूं। ये टोटल सेल है, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और ग्लूकोज देखिए सेल के अंदर इंटर कर रहा है। ग्लूकोज बायोमॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जिसका मेटाबॉलिज्म होगा और एटीपी पैदा होगा। ग्लूकोज इंटर करिए, अब ये देखिए ग्लूकोज यहां ग्लाइकोलिसिस के द्वारा एटीपी बना रहा है। अब ये पायरविक एसिड बना रहा है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ही काम हो रहा है। अब ये पायरविक एसिड या पायरुवेट देखिए अंदर आ रहा है, अब ये पायरुवेट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है और एटीपी भी बना रहा है। इसे हम लोग कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल। ये देखिए मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल चल रहा है, और यहां से एनएडीएच देखिए कहां, इनर माइटोकॉन्ड्रियल वॉल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल वॉल या क्रिस्टल वॉल पर ये एनएडीएच जा रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है कि नहीं, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और यहां एडीपी और पीआई से देखिए एटीपी बन रहा है, इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या देखा, क्रेब साइकिल को चलते हुए, ईटीएस को चलते हुए, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तीनों का साइट कहां है बार बार पूछा जाता है। क्रेब साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहां चल रहा है, मैट्रिक्स में चल रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चल रहा है, क्रिस्टल मेम्ब्रेन या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां हो रहा है, ऑक्सीसोम पर हो रहा है। यह ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये देखिए ये ईटीएस, इसे हम लोग कहते हैं ईटीएस या ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से ले रहा है, एनएडीएच से, और उस इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, इधर से O2 आ रहा है और प्रोटॉन लेकर वाटर बन रहा है। खैर इतनी बातों से, लेकिन ये ईटीसी चलने के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलने के लिए एनएडीएच कहां से आ रहा है, टीसीए क्रेब साइकिल से आ रहा है, कहां चल रहा है, मैट्रिक्स में चल रहा है। और यहां देखिए ये प्रोटॉन जाके क्या कर रहा है, एटीपी पैदा कर रहा है, ये क्या है, ऑक्सीसोम है। क्लियर हो गया, मैं समझता हूं कि आप हर एंगल से आप ये समझ चुके होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य वर्क क्या है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चलते चलते एक बार देख लें, देखिए इसमें चार कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इस रचना है,
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ये सब के सब प्रोटीन है। और ये सब का सब प्रोटीन का निर्माण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर। इनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को कैरी करना। ये देखिए इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और इस इलेक्ट्रॉन के कैरी होने में प्रोटॉन पास करते हैं और ये प्रोटॉन एटीपी बनाते हैं, जो भविष्य में आप डिटेल जानेंगे। तो ये हमने आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की संरचना बताया, क्योंकि आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा अगर है तो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, तो यहाँ के प्रोटीन का क्या मुख्य फंक्शन है, इस बातों पर मैंने जोड़ दिया और आपने जाना। अब चलते चलते लास्ट में आपको दोनों आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन की संरचना को दिखा रहे हैं कि देखिए आउटर और इनर मेम्ब्रेन की संरचना किस प्रकार है। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। तो ये स्पेस का नाम क्या हो गया? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इसका नाम क्या हो गया? मैट्रिक्स। और देखिए इसमें किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस प्रकार प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कैसे एटीपी का निर्माण हो रहा है। एटीपी का निर्माण करने वाला कौन है? एफ जीरो एफ वन पार्टिकल्स, याद रखना है ऑक्सीसोम, और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ किस पे भाग ले रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और प्रोटॉन किधर से किधर पंप हो रहा है? मैट्रिक्स से इनर माइटो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, ये पूछा हुआ है। प्रोटॉन किधर पंप हो रहा है? मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। इस प्रकार हमने एक छोटी सी परिचर्चा आपको माइटोकॉन्ड्रिया पर दिया। अब इसके बाद हम लोग प्लास्टिड के बारे में जानेंगे और तुलना करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।